हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो एंजियोस्पर्म्स की फैमिली रोजेसी पे है। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जेनरा है, जैसे रोजा रोज कहते हैं जिसे, प्रूनस बादाम, और पायरस मैलिस एप्पल। तो पहले हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में है कि इसके फैमिली मेम्बर्स कॉस्मोपॉलिटियन है, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं, पर ये कोल्डर रीजन्स में ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इनकम्स हैबिट जो है इसमें ग्रेट वेरिएशन शो करते हैं, क्योंकि इसमें हर्ब्स, ट्रब्स और ट्रीज, हर तरीके के प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो ग्रोन होती हैं फॉर देयर फ्रूट, जैसे बादाम और एप्पल, और ऑर्नामेंटल्स जैसे कि रोज। इनकम्स रूट जो होती है वो टैप और ब्रांच दोनों तरीके की प्रेजेंट होती है। स्टेम इरेक्ट भी होगी, क्रीपिंग, हर्बेशियस, हार्ड बॉडी, सिलेंड्रिकल। हार्ड बॉडी सिलेंड्रिकल इसलिए क्योंकि इसमें ट्रीज पाए जाते हैं, और क्रीपिंग हर्बेशियस इसीलिए क्योंकि इसमें हर्ब्स और श्रब्स भी पाए जाते हैं। इनकम्स रोजा, तो रोजा में कुछ स्पाइनी आउटग्रोथ होती है जिसे हम कांटे कहते हैं, उसे स्पाइनी आउटग्रोथ कहते हैं। और बर्ड ग्राफ्टिंग जो है इस फैमिली का कॉमन फीचर है, क्योंकि रोज में काफी जगह पे बर्ड ग्राफ्टिंग से ही वो ग्रो कराए जाते हैं। देन कम्स लीव्स। लीव्स जो होती हैं वो ऑल्टरनेट का मतलब है कि स्टेम में ऑल्टरनेट तरीके से लीव्स लगी होंगी। स्टिप्युलेट का मतलब है लीव्स जहां पे वो स्टेम से अटैच होती है वहां पे स्मॉल टाइनी आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, उसे हम स्टिप्यूल कहते हैं, इसीलिए ये स्टिप्युलेट लीफ होती है। और लीफ मार्जिन इसके सिरेटेड, जैसे कि रोज में कांटे टाइप के लीफ के मार्जिन होते हैं, उसे सिरेटेड कहते हैं। और एंटायर भी प्रेजेंट होते हैं, एप्पल के प्लांट में एंटायर लीफ के मार्जिन भी होते हैं तो उसे। देन कम्स इनफ्लोरसेंस। इनफ्लोरसेंस होगी तीन तरीके की, कॉरम, अम्बल और रेसमस। कॉरम और अम्बल भी रेसमस के ही एक पार्ट है। इनकम्स फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो यूजली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल, गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे। एक्टिनोमॉर्फिक है कि उसे उस फ्लावर को किसी भी तरीके से काटेंगे तो वो हर एक प्लेन में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और एंड ब्रैक्टियोलेट। ये सारे टर्म्स के बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, उस पर आप चेक कर सकते हैं पुरानी वीडियो हमारी टर्मिनोलॉजी ऑफ फ्लावर के नाम से। देन कम्स कैलिक्स। कैलिक्स जो है वो फाइव होते हैं और गैमो सेपल्स होते हैं। गैमो मीन्स फ्यूज्ड, और फ्यूज्ड सेपल्स कहते हैं। तो वो फ्री भी होते हैं, वाल्वेट एस्टिवेशन भी हमने पहले बताया, और ग्रीन। देन कम्स कोरोला। कोरोला भी फाइव प्रेजेंट होते हैं, पॉली पेटल्स होते हैं। पॉली मीन्स फ्री, तो इसकी फ्री पेटल्स होती हैं, और हाइपेंथियम से अराइज होते हैं। हाइपेंथियम एक नेक्टिफेरस ग्लैंड होता है। देन कम्स एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इनडेफिनेट होते हैं, 15 से 60 कोई भी रेंज में हो सकते हैं। एंथस जो होते हैं वो डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस मतलब टू लोब्स। इंट्रोस का मतलब होता है कि जो पॉलिन ग्रेन्स है वो फ्लावर के अंदर शेड होंगी। और डॉसिफिक्स का मतलब है कि किस तरह से एंथर में फिलामेंट की अटैचमेंट, किस तरीके से डॉसिफिक्स तरीके से। देन कम्स गाइनोशियम। गाइनोशियम दो तरीके की, कुछ सिनकार्पस, एपोकार्पस, और ओवरी जो है वो पेरीगाइनस होगी, और प्लासेंटेशन जो होगी वो एक्साइल होगी। एक्साइल मीन्स कि टोमेटो और इन सब प्लांट्स में जैसे एक्सिस पे बीच में सीड्स ग्रो होती हैं, उसे एक्साइल कहते हैं। देन कम्स फ्रूट। फ्रूट ड्राई और फ्लैशी हो सकते हैं। ड्राई मतलब जैसे बादाम, और फ्लैशी फ्रूट्स जैसे कि पियर, स्ट्रॉबेरी, एप्पल। सीड जो होती है वो एग्जैल्बुमिनस, क्योंकि उसमें स्टोर्ड होते हैं फूड। देन कम्स पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इंसेक्ट से भी हो सकती है एंड विंड से भी हो सकती है। और लास्ट में फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एक फैमिली के लिए। उसमें सबसे पहले तो ब्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो उसे BR से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे एक्टिनोमॉर्फिक का साइन होता है। दिस इज फॉर हर्माफ्रोडाइट। और कैलिक्स जो होगी फाइव होंगी, फ्यूज होंगी इसलिए ब्रैकेट। कोरोला जो होंगे वो फाइव होंगे, फ्यूज नहीं होंगे इसलिए ब्रैकेट नहीं है। एंड्रोशियम जो है वो इनडेफिनेट है, 15 to 60। गाइनोशियम जो है वो भी इनडेफिनेट, या किसी किसी में 2 to 5 भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और नोट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।